भाई अमृतपाल सिंह जी हैं, जो कोई चंगा सोहना उपराला कर रहे हैं असि उन्होंने खिलाफ बोलना, असी उन्होंने विरोध करना। ये आप कर रहे हैं, महाराज की बख्श के नाल किसी नूं महिमा मिलती है, वो पूर्वले कर्म हो सकते गुरमुखां दे, कोई उन्होंने परिवार की कमाई हो सकती है, पता ही नहीं कि पिछे की जड़ा की है सानू थोड़ी पता। सिंह उन्होंने छड़ना नहीं, उन्होंने तो मता होया भाई, साडा गुरमता होगा भी असी उन्होंने बहर लियाना है कि अंदर ही होर 10-15 साल देखना भी उन्होंने की बनता। गुरमता असी करना कि असी की करना है, असी आप गुरमता नहीं कर रहे भी असी की करना, असी उन्होंने अगे रखिया होया भी तुसी की करना साडे नाल। 10 साल तो गुरबख सिंह जी 2013 च बैठे जी भुख हड़ताल से, अज 23 चलता मोर्चे दे हालत देख लो, क्यों नहीं चढ़ती कला विच जा रहा कार्ज, क्योंकि निम्रता नहीं हैगी, ईरखा भरी हुई है, बाणी बंदगी सिमरन है नहीं, एक दूजे दियां जिवें कहिंदे लत्तां खिंचदे। इटली तो आए ने? अच्छा जी, केड़ी जगह तो? इटली तो ब्रेशिया। ब्रेशिया ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ? 97 ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਜੀ। 97 ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, निर्भर नहीं होना चाहिदा कि झूठी जिहड़ी इह झूठी गौरमेंट है जां झूठा राज है इन्हां दे बल नहीं देखना चाहिदा। यही सोचदे होणे सच्चे सिख ते सारे इत्थे वाले दे इक्को ही सोच है गुरमुखां दी, चाहे इटली बैठे हैं, कनेडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया, जिहड़ा मर्जी मुल्क है, इत्थे भी जिन्हां कोल गुरमत है ओह मत इक है, ते उन्हां दी मत गुरू दी बाणी चों है, गुरू तों है, ते जे गुरु तो है ते गुरु की बाणी चो है ते फिर सोच भी तुसी समझते भी इको होगी, ते ओह गुर मर्यादा ते जो सिख इतिहास का फलसफा है ओहदे मुताबिक ओह चाहुंगे रिहा हो जाण, ते रिहा होण जाण दा इह मतलब नहीं वी उहनां तों असी उम्मीद रखदे हां कि उहनां अगे असी हत्थ बन्नीए जां लिखती रूप च दईए। असी दसणा असी अपने सिंघ रिहा कराउणे, उहनां नूं ते पता भी सजा पूरी होगी छड्डणे नहीं, उन्होंने नहीं छड़ने ते उन्होंने पता है भी छड़ने नहीं। गुरमता असी करना कि असी की करना है, असी आप गुरमता नहीं कर रहे भी असी की करना, असी उन्होंने अगे रखिया होया भी तुसी की करना साडे नाल, ते उस करके जे ते आपां उन्हां दी उड़ीक करनी तां 10 सालां तो गुरबख सिंह जी 2013 च बैठे जी भुख हड़ताल से, ते अज 23 चलता 10 साल हो गए उन्होंने सानू कहिंदे आ, ये 10 सालां च नहीं उन्होंने साड़ी सुनी ते हुण आपां नूं की लगता भी हुण सुनूंगे, उन्होंने नहीं सुननी, उन्होंने पता उन्होंने की करना, सानू नहीं पता असी की करना, असी तो एक दूजे ते दूषणबाजी करनी। असी जे कोई गुरमुख प्यारा चज दा कार्ज करदा है जिवें भाई अमृतपाल सिंह जी हैं, जे कोई चंगा सोहना उपराला कर रहे हैं असी उन्होंने खिलाफ बोलना, असी उन्हां दा विरोध करना, ये आपां कर रहे हैं। मोर्चे दे हालत देख लो, क्यों नहीं चढ़ती कला विच जा रहा कार्ज, क्योंकि निम्रता नहीं हैगी, ईरखा भरी हुई है, बाणी बंदगी सिमरन है नहीं, ते जे कोई महाराज की बख्श के नाल किसी नूं महिमा मिलती है वो पूर्वले कर्म हो सकते गुरमुखां दे, कोई उन्होंने परिवार की कमाई हो सकती है, पता ही नहीं कि पिछे की जड़ां की है सानू थोड़ी पता। सो ज़्यादातर आपां एक दूजे दियां जिवें कहिंदे लत्तां खिंचदे, लत्तां खिंचण करके असी कामयाब नहीं हो रहे, ते बाहरले सिंघां दी सोच जिवें पहलां कहा भी यही है, आपां ने हुण की करना है, गुरु साहिब कृपा करन गुरमता करूंगे इत्थे जे हो सकिया, ते यही गुरमता होऊगा भी सिंघ उन्होंने छड्डना नहीं, उन्हां दा तां मता होया भाई, साडा गुरमता होऊगा भी असी उन्हां नूं बाहर लियाउणा है कि अंदर ही होर 10-15 साल देखना भी उन्हों का की बनता, यही कहना होर की कहना भी जी। हाले गुरमता होना हले विचारा ही हुई है, गुरमता नहीं होया, गुरु नानक ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी कोई अरदास नहीं हले आप, हुक्मनामा साहब नहीं लिया, पहला विचार होगी
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਚਾਹੂਗੀ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ।